नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे चने का साग बनाना इन बिहारी स्टाइल। बहुत ही इजीएस्ट वे में आज हम चने का साग बनाएंगे। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन पाए जाते हैं और ये डायबिटीज़ के रोगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसे बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। चने का साग बनाने के लिए सबसे पहले हम चना की भाजी लेंगे, उसे धो लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पालक लेंगे। पालक डालने से साग अच्छी तरह से पकता है और अच्छा बनता है। इसे अच्छी तरह से काट लें। इसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और एक कुकर में साग को डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें 3 टमाटर डाल देंगे और उसके बाद अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब कुकर को बंद कर लें और इसे 4 से 5 सीटी तक पकने दें। 4 से 5 सीटी होने के बाद ढक्कन हटाएं। देख सकते हैं ये पक चुका है। साग की क्वांटिटी आधी हो चुकी है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। याद रहे, आपको गैस ऑन करके ही मैश करना है, जिससे जितना भी पानी एक्स्ट्रा बचा हो वो साग अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम सिलवट्टे में ही इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। सभी साग को हमने सिलवट में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम साग को चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक भी डालेंगे और इसे मिक्स कर लें। स्वाद को बढ़ाने के लिए अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स भी डाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लें। अब हमारा चने का साग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।